Hi everyone, I hope everyone is doing good and is taking good care of themselves in this time जहाँ पे हम सब बहुत ज़्यादा परेशान और घबराए हुए हैं. Okay, this video that I'm making is on basically how to find rental. अगर आप कनाडा लैंड कर रहे हैं तो आप कैसे अपने लिए कोई accommodation ढूंढ सकते हैं. This was basically asked by someone in the comment. So I thought I would address it because it is very important कि आप कैसे अपने रहने के लिए यहाँ पे कोई जगह ढूंढ सकते हैं. Okay, so सबसे important चीज़ है जब आपको final हो गया that you are coming to Canada as a student or you're coming generally PR पे आए हो या आपको work permit मिला है एंड आपको सबसे पहले अपने लिए accommodation ढूंढनी है यहाँ पर. इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, सो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट आप अपनी शॉर्ट टर्म रहने के लिए आप इंतज़ाम पहले से करके आए हैं अपनी होम कंट्री से जब आप आ रहे हो. सो देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स लाइक gg.ca, padmapper.ca, viewit, zumper. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी सभी वेबसाइट्स का, सो दैट यू कैन जस्ट क्लिक एंड सी. एंड इनफैक्ट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो तो आप एयरबीएनबी कुछ लोग करते हैं, और अगर आपके यहाँ पे कोई रिलेटिव्स हैं एंड दे आर विलिंग टू हेल्प यू वेर इन आप हफ्ते 10 दिन के लिए उनके साथ रह सकते हो, देन इट वुड बी बेटर. एंड इन दैट मीन टाइम यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर रेंटल्स फॉर योर सेल्फ. यूजअली स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसमेंट में रहते हैं ऑन शेयरिंग. सो लेट्स से अगर मैं एरिया वाइज आपको बोलूँ, बी इट इटोबिको और से बी इट ब्रैम्पटन में अगर आप अपने लिए बेसमेंट कोई देखते हो तो आपको 900 से लेकर 1500 $2000 पर मंथ पे बेसमेंट मिलती है, डिपेंडिंग ऑन आप कितने रूम्स की बेसमेंट देख रहे हो. सो वन बेडरूम वुड स्टार्ट फ्रॉम समवेयर अराउंड 900,000 एंड इट कैन गो अप टू 2000 और 2500. स्टूडेंट्स यूजुअली शेयरिंग पे रहते हैं तो स्टूडेंट्स को अगर आप देखो तो 300 से $350 पड़ता है, बिकॉज वो एक रूम में दो स्टूडेंट्स रह लेते हैं शेयरिंग पे, या एक बेसमेंटली वन बेडरूम उसमें वो दो या तीन लोग रह लेते हैं, तो उनको 300 से $350-400 पर मंथ पड़ता है. आई एम टॉकिंग अबाउट कैनेडियन डॉलर ऑब्वियसली. तो आप इन वेबसाइट्स पे जो .ca वाली जितनी भी रेंटल की वेबसाइट्स पे आप उसमें अमाउंट देखोगे वो US डॉलर नहीं कैनेडियन डॉलर ही होगा, सो डोंट गेट कन्फ्यूज. एंड इफ़ यू वॉन्ट कि नहीं आप चाहते हो कि आप अकेले रहो बिकॉज योर फैमिली माइट कम इन और समथिंग, देन बी रेडी टू पे फ्रॉम $900,000. दिस इज़ लाइक दी बेसिक जो आपको पे करना ही पड़ेगा. बट लाइक आई सेड, स्टूडेंट्स यूजुअली शेयरिंग पे रहते हैं तो उनका 350-350 ऐसे ही पड़ता है एवरी मंथ. एंड देयर आर सर्टेन प्लेसेस दैट गिव यू दिस ऑन रेंटल दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, दैट इज़ योर यूटिलिटीज, दैट कुड बी योर हाइड्रो एंड ऑल द बिल्स दैट आर इंक्लूडेड. बट कुछ लोग होते हैं जिसमें आपको बिल शेयर करना पड़ता है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल दे वुड से दैट दिस इज़ योर रेंटल प्लस 30% ऑफ द एंटायर यूटिलिटी और 70% और 40% और 20%. वो यू कैन सी एंड देन यू कैन येस नेगोशिएट अ बिट. यहाँ पे मैक्सिमम लोग फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट आपसे लेते हैं, सिक्योरिटी या कुछ भी समझ लो. कुछ लोग सिबिल वगैरह भी चेक करते हैं, बट आपको मिल जाता है बिना सिबिल चेकिंग के भी. अगर आपके यहाँ पे कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स या कोई भी नोन रहता है, दे कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग दीज थिंग्स, नॉट जस्ट दी वेबसाइट. इनफैक्ट आई शुड टेल यू कि ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पे आपको मिलता है. यहाँ पे अगर आप गुरुद्वारे जाओ या आप ग्रोसरी स्टोर्स जाओगे, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स बने होते हैं वहाँ पर भी बहुत सारी एड्स लगी होती हैं. सो लाइक आई वॉज सेइंग कि आप ग्रोसरी स्टोर में बहुत सारे पैम्पलेट्स लगे होंगे या इनफैक्ट बस स्टॉप पर भी पैम्पलेट्स लगे होते हैं, एंड वो गुजराती, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश सब लैंग्वेज में लिखा होता है जहाँ पे आप अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो. सो इट इज़ हम लोगों ने इनफैक्ट जब हम लोग आए थे, जो हमें अपनी फर्स्ट अकोमोडेशन जो हमने खुद ढूंढी थी वो हमें एक गुरुद्वारे में ऐड थी वहाँ से मिली थी, एंड देन दे वर रेफरेंसेस, दैट्स हाउ वी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो आप ये लोग खुद के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, प्लस यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर हॉस्टल्स. वो भी थोड़े चीप होते हैं, बट आई वुड से वो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बिकॉज इवेंचुअली वुड वांट, अगर आप यहाँ साल दो साल के लिए एटलीस्ट रह रहे हो तो आपको एक अपना स्पेस चाहिए प्रॉपर, राइट. अगर आप बेसमेंट नहीं कॉन्डो लेना चाहते हो, देन कॉन्डो, वन बेडरूम कॉन्डो, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से एरिया में रह रहे हो, इट कैन वेरी फ्रॉम $1600-1700 टू लाइक $3000-4000. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि कितने बेडरूम का देख रहे हो और कितने लोग आप शेयरिंग में उसको लेना चाहते हो. एंड सिमिलरली आप घर भी ले सकते हो, दैट कैन अगेन वेरी. जैसे 3BHK घर है अगर आपका जिसकी बेसमेंट भी है, सो आपके पूरे घर का रेंट इंक्लूडिंग दी अपार्टमेंट, इंक्लूडिंग दी बेडरूम्स जो ऊपर के हैं और इंक्लूडिंग बेसमेंट, ये सब मिला के अराउंड $4000 पड़ेगा आपको. सो
आप डिपेंड करते हो उस घर में आई गेस आराम से 8-10 लोग रहते हो एंड देन दैट्स हाउ यू डिवाइड थिंग्स एम आपको ईजी बढ़ जाता है. बट घर लेने का फ़ायदा तभी है वेन यू नो देर मल्टीपल पीपल एंड यूजअली स्टूडेंट्स को कोई पूरा घर देता भी नहीं है सो देर हैज़ टू बी अ फैमिली एंड उनके साथ देन यू कैन मे बी एडजस्ट. यहाँ पर अगर आपका कोई जान पहचान में रियल्टर है तो आपके लिए और हेल्प हो जाएगी, आपके लिए कोई ढूंढ सके, आप किसी और को ऐसा जानते हो जो आगे किसी रियल्टर को जानता है तो बहुत आसान है आपके लिए घर ढूंढना. I won't say that ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है यहाँ घर ढूंढना, बट एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है बिकॉज आप किसी के घर भी रह लोगे तो मैक्सिमम हफ्ता 10 दिन आई डोंट नो इससे ऊपर आप खुद भी नहीं रहना चाहोगे बिकॉज यहाँ पर हर कोई बिजी है. सबकी लाइफ इतनी फास्ट है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको देखभाल करे या यू नो आपके लिए करे. बट फिर भी यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं जो हेल्प करते भी हैं. बट स्टिल इट्स ऑलवेज बेटर वैन यू मूव ऑन एंड यू नो एंड फाइंड समथिंग दैट्स गुड फॉर योर सेल्फ जहाँ पर आप खुद रह रहे हो बिकॉज आप खुद और कम्फर्टेबल होकर वहाँ पर रह पाते हो. लिंक में लाइक आई सेड मैं डिस्क्रिप्शन जितने भी लिंक हैं मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, चाहे वो रेंटल्स के लिए हो चाहे वो हॉस्टल के लिए हो. एंड आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल होंगे. फिर भी इफ़ यू थिंक देयर इज़ अ स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे आप ढूंढ रहे हो एंड आपको नहीं मिल रहा और इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू हाउ कैन यू फाइंड द जॉब, एक जनरल लेबर की जॉब भी कैसे देखें वो भी मुझसे कमेंट में पूछा गया था. सो आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट इट. सो या टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट लाइफ. बाय बाय.